ये चौक है ना, ये चौक है, तो चौक को अगर मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या दिखेगा? क्या? अरे चौक को मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या दिखेगा? हाथी दिखेगा, क्या दिखेगा? चौक ही दिखेगा ना। सिर्फ क्या दिखेगा? एक तो बड़ा दिखेगा या छोटा? छोटा तो नहीं दिखेगा, बड़ा दिखेगा, लेकिन चौक चौक ही दिखेगा। ठीक है, सपोज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैंने अगर माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या दिखेगा? एक पॉइंट ही दिखेगा, बड़ा पॉइंट दिखेगा लेकिन पॉइंट दिखेगा। मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे दिखना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा, लेकिन जो लेंस का अपर्चर होता है बराबर, दैट विल एक्ट एज कॉर्नर पॉइंट्स, तो वहाँ पे डायफ्रेक्शन होगा। बिकॉज ऑफ डायफ्रेक्शन स्क्रीन पे मुझे क्या दिखाई देगा? डायफ्रेक्शन पैटर्न। मतलब आईपीस से मुझे क्या दिखेगा? एक पॉइंट नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? डायफ्रेक्शन पैटर्न। डायफ्रेक्शन पैटर्न मतलब क्या होगा? रिंग्स दिखेंगे, बराबर है। मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मुझे पॉइंट इमेज कभी नहीं दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा? पैटर्न दिखेगा, मतलब डार्क ब्राइट रिंग्स दिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स रखे तो मुझे दो रिंग्स दिखेंगे, बराबर। सपोज दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का इमेज ये हुआ, दूसरे पॉइंट का इमेज ये हुआ, ऐसे ओवरलैपिंग इमेज है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं या मिक्स दिखाई दे रहे हैं? तो मुझे पता चल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं, तो माइक्रोस्कोप का कुछ काम है क्या? तो माइक्रोस्कोप गंदा वाला माइक्रोस्कोप है, बराबर। तो मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस दोनों के बीच इंक्रीज किया। अगर जब मैं डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो इमेज के बीच का भी डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। पहले इमेज ऐसे ओवरलैपिंग थे, डिस्क मतलब पॉइंट होता तो ऐसे दिखाई देते पॉइंट, लेकिन डिस्क दिखाई देंगे तो इसका डिस्क और इसका डिस्क ऐसे दिखाई दे रहा है। तो मैंने अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज किया तो डिस्क के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो ऐसा हुआ। अभी भी ये काम का है क्या कुछ? अभी 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 मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है दो इमेजेस। दिस इज कॉल्ड एज जस्ट रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड एज जस्ट रिजल्ट। जो इमेजेस है दे आर जस्ट रिजल्ट, ये रिजल्ट नहीं है, ये जस्ट रिजल्ट है, ये कम्प्लीटली रिजॉल्व है, मतलब कम्प्लीटली अलग अलग हुए, बराबर। ये जस्ट रिजॉल्व, ये कम्प्लीटली रिजॉल्व, ये क्या है? नॉट रिजॉल्व। तो रेलेस क्राइटेरिया में कितने कंडीशन है? तीन कंडीशन। कौन से तीन कंडीशन? जस्ट रिजॉल्व, नॉट रिजॉल्व और कम्प्लीटली रिजॉल्व। तो रेले क्राइटेरिया मतलब रेले ने क्या दिया है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट सो दैट इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व। मतलब रेलेस क्राइटेरिया ने क्या बताया कि इमेज कब रिजॉल्व होगा, कब जस्ट रिजॉल्व होगा और कब नॉट रिजॉल्व होगा, ये किसने दिया? रेले ने। दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज रेलेस क्राइटेरिया। समझ गए? सो रेबल फर्स्ट डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट एंगुलर, स्मॉलेस्ट एंगुलर और लीनियर सेपरेशन, स्मॉलेस्ट एंगुलर और लीनियर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, सो दैट इमेजेस अपीयर टू बी जस्ट रिजॉल्व, सो दैट इमेजेस अपीयर to be just resolved is called limit of resolution, is called limit of resolution, और limit of resolution को underline कर लो। This is definition of limit of resolution, मतलब दो objects थे उनके बीच का minimum distance so that images are just resolved, मतलब images ऐसे दिखाई दे रहे, वो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल डी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। लीव वन लाइन, राइट डाउन अनदर डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड reciprocal of limit of resolution is called power of resolution, is called power of resolution or resolving power, power of resolution or resolving power, bracket में लिखो RP, capital RP,
रिजोल्विंग पावर कैपिटल आर पी इक्वल टू 1/d, 1/d. ठीक है, अभी ठीक से देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तुमको याद रखना है सिर्फ जस्ट रिजल्ट वाला. पहला जो इमेज है, सो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मुझे ऐसे मिलेगा. बराबर है, तीनों डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले. ये एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट का इमेज कैसे होगा? सॉरी, एक पॉइंट का इमेज दूसरे पॉइंट का इमेज कैसे होगा? सेम जैसे ही होगा. लेकिन अभी कैसे, जब मैं देखूंगा तो ये मिक्स दिखने वाला है मुझे. एक ही इसमें दोनों मिक्सर दिखेंगे. तो जस्ट रिजल्ट मतलब क्या, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? ऐसे जस्ट रिजल्ट जस्ट क्लियर दिखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू रेले वो क्राइटेरिया क्या होता है? सपोज यहां पर मैं कुछ लेबल करता हूं पॉइंट्स. ये पॉइंट्स दिखेगा, ये पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, ये पॉइंट थर्ड, फोर, ये फाइव और ये सिक्स. अकॉर्डिंग टू रेले इमेजेस विल बी जस्ट रिजॉल्व्ड इफ क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ सेकेंड, या फिर ट्रफ ऑफ सेकेंड वेव फॉल्स ऑन, सॉरी, ट्रफ ऑफ फर्स्ट वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ सेकेंड. ठीक है, अभी ओवरलैप करते हैं. कैसे? मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू रेले क्रेस्ट ऑफ वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ दिस, या फिर ट्रफ ऑफ दिस वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ दिस. इसका ट्रफ मतलब ये पॉइंट टू, इसका क्रेस्ट मतलब कौन सा पॉइंट? फोर. मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? यहाँ पे फोर आएगा. फोर का है, फोर भी बड़ा वाला पॉइंट है. फोर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया फोर पॉइंट. अकॉर्डिंग टू रेले क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ सेकेंड, या फिर ट्रफ ऑफ सेकेंड वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट. ट्रफ और क्रेस्ट मतलब मैक्सिमा और मिनिमा. इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा के ऊपर, या फिर इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा के ऊपर. बराबर, तो पॉइंट फोर यहाँ पे आएगा, पॉइंट फाइव का, पॉइंट सिक्स ये वे. ठीक है, पॉइंट सिक्स कहाँ पे आएगा? इधर आएगा. इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा के ऊपर, तो ये वेव कैसे होगा? फिर यहाँ पर इसका जो मैक्सिमा है, यहाँ पर इसका मिनिमा आएगा. बराबर, ठीक है, इसका जो मैक्सिमा, इसका मिनिमा, इसका मिनिमा, इसका मैक्सिमा आएगा यहाँ पर. बराबर, ये पॉइंट इसका मैक्सिमा, तो इसका मिनिमा ये पॉइंट. बराबर, तो सिमिलरली इसका मिनिमा यहाँ पर, इसका मैक्सिमा एंड सो. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जस्ट रिजल्ट. मतलब इसका मैक्सिमा इसके मैक्सिमा जस्ट सेपरेट हुआ है और मुझे दोनों मैक्सिमा भी क्लियर दिखाई दे रहा है. मतलब इमेजेस कैसे? जस्ट रिजल्ट. तो दिस डिस्टेंस, सपोज अगर मैंने रैंडमली ये डिस्टेंस कंसिडर किया कुछ, तो ए या बी कंसिडर करता हूं. मतलब डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इसका मैक्सिमा और उसी का मिनिमा. अगर एक वेव की बात करूं तो ये क्या डिस्टेंस है? 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस. मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? बी. अगर नेक्स्ट वेव में यहाँ पर वेल रिजोल्व में ये दूर हुआ तो वेल रिजोल्व होगा. मतलब ये केस में अगर डिस्टेंस ग्रेटर है तो वेल रिजोल्व, डिस्टेंस कम है तो नॉट रिजोल्व. मतलब ये दोनों वेव्स अगर और दूर होंगे तो और क्लियर दिखेंगे, तो वेल रिजोल्व फॉर्म होगा, और एक दूसरे में घुसे हुए होंगे तो नॉट रिजोल्व होगा. तो ये वेव कैसा होगा? देखो, हम लोगों ने ये कहाँ पे ड्रॉ किया था? टू पे ड्रॉ किया था ना, ये यहाँ पे ड्रॉ किया था. तो थोड़ा सा दूर ड्रॉ करते, यहाँ पे करते हैं. बराबर, तो यहाँ पे आएगा इसका मैक्सिमम. मिनिमम कहाँ पे आएगा? इसके राइट साइड में ड्रॉ किया है, तो इसके राइट साइड में थोड़ा सा ये मिनिमम आएगा. समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? इसका मैक्सिमम ये मिनिमम है, तो इसका मैक्सिमम थोड़ा सा राइट साइड में आएगा. यहाँ पर मैक्सिमम है, तो इसका मिनिमम थोड़े से राइट साइड में आएगा. तो ये वेव ये मैक्सिमम है, इसका मिनिमम फिर कहाँ पे? थोड़े से राइट साइड में और थोड़े से राइट साइड. मतलब पूरा का पूरा वेव, ये ब्लू वाला वेव थोड़ा सा राइट में शिफ्ट किया मैंने, और कुछ नहीं. समझ में आया? ठीक है, दिस इज वेल रिजॉल्व. मतलब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग था, यहाँ पर ओवरलैपिंग कम हुआ है. तो जितना ओवरलैपिंग कम होगा उतना इमेजेस विल बी वेल रिजॉल्व. अब यहाँ पर क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसको अंदर दबा दो. मतलब पहले कहाँ पे था? ये यहाँ पे था मैक्सिमम, तो थोड़ा सा अंदर दबा दो. यहाँ पर मैक्सिमम दो विजिबल डिस्टेंस पे, तो मैक्सिमम थोड़े से लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो इसका मिनिमम कहाँ पे शिफ्ट होगा? वो भी लेफ्ट में शिफ्ट होगा.
यहाँ पर मैक्सिमा होता था वो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, यहाँ पर मिनिमा था वो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, यहाँ पर मैक्सिमा तो मिनिमा यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में, यहाँ पर मैक्सिमा थोड़ा सा लेफ्ट में, तो दिस इज नॉट रिजॉल्व, समझ में आया? मतलब वेव और एक दूसरे के अंदर घुसे तो मुझे डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो रहा है, सो इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व, दिस इज जस्ट रिजॉल्व एंड दिस इज वेरी क्लियर है। डायग्राम ड्रॉ करना फिर थ्योरी लिख के बताओ, क्लियर है? लेकिन रेलेस क्राइटेरियन इतना ही है, रेलेस क्राइटेरियन, रेलेस क्राइटेरियन ने क्या दिया, व्हेन इमेजेस विल बी रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व एंड नॉट रिजॉल्व,